हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है समृद्धि और आज जो हम लेके आए हैं आपके सामने वो है एक स्कीम, दैट इज नई रोशनी स्कीम। तो स्टूडेंट, जब आप नई रोशनी स्कीम की बात करते हैं कि ये स्कीम क्या है एंड ऑल दैट वी विल स्टडी ओवर हियर। बात करते हैं नई रोशनी स्कीम की कि इस स्कीम के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, लेट अस डिस्कस दैट। तो ये स्कीम जो है वो न्यूज में किस लिए थी, क्योंकि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं माइनॉरिटीज के, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स जो भी ट्रेन किए जाएंगे नई रोशनी स्कीम के अंदर, उनके बारे में बताया है। ठीक है, उन्होंने उन नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स जो भी हमारे ट्रेन किए जाएंगे उनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि कितने ट्रेनी हम यहाँ पे ट्रेन करें। अब यहाँ पे छोटा सा सवाल है कि हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स हैं आपके श्री मुख्तार अब्बास नकवी, ये जो हैं आपके मिनिस्टर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको जो है याद रखना है कि कौन से आपके मिनिस्टर हैं, राइट, कि हु इज द करंट नाउ द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इन इंडिया। अगर अब आप नई रोशनी स्कीम की थोड़ी सी यहाँ पे बात करें तो लेट अस सी दैट। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो नई रोशनी स्कीम है वो आपकी पुरानी स्कीम है, कोई नई स्कीम नहीं है। इट इज अ ओल्ड स्कीम जो कि आपकी लॉन्च करी गई थी 2012। ठीक है, तो नई रोशनी स्कीम एक गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम है जो कि लॉन्च करी गई थी 2012-13 में टू इम्पावर द लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ द फॉर द माइनॉरिटी वुमेन्स। जो भी आपकी माइनॉरिटी में वुमेन्स है उनकी लीडरशिप स्किल्स को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, सो दैट बेसिकली वो वुमेन को, जो माइनॉरिटी वुमेन है उनको इम्पावर कर सके बाय प्रोवाइडिंग देम नॉलेज, टूल्स, टेक्निक्स, ताकि वो गवर्नमेंट सिस्टम के साथ, बैंक्स के साथ और अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है अपने आप को यहाँ पे जोड़ सके। इसके लिए जो है ये स्कीम जो है लेके आई गई थी। 2019 में भी ये स्कीम काफी न्यूज में थी। अब जो है हम इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये स्कीम जो है दोबारा न्यूज में आई है और ये आपकी किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, इसके नाम से ही मिलता जुलता एक और नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा उससे, वो है आपकी नई मंजिल। जो नई मंजिल स्कीम है वो 2015 में लॉन्च करी गई थी, जो कि किससे रिलेटेड है, स्कूल एजुकेशन के साथ रिलेटेड है, विच इज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन एंड जो भी स्कूल्स में स्किल्स दी जाती हैं उससे संबंधित स्कीम। आपको उम्मीद करती हूँ इतना कुछ कुछ समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो आपको दूसरी चीज समझनी है वो ये है कि इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटीज कौन सी। तो इंडिया में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जिनके कौन कौन सी हैं, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख और मुस्लिम। ये आपके पास जो है 6 कम्युनिटीज हैं जो कि आपकी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया, मतलब शब्द का इस्तेमाल करा गया है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी की डेफिनेशन कहीं नहीं दी गई है। तो यूपीएससी कई बार ये भी पूछ सकता है कि डेफिनेशन दी गई है, तो याद रखना कोई भी डेफिनेशन कहीं पर भी दी नहीं गई है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को जो है क्लासिफाई करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज क्लासिफाई करता है अंडर आर्टिकल 29, अंडर आर्टिकल 30, आर्टिकल 350B। इसके तहत ये 3 आर्टिकल्स हैं जो कि आपके जहां पे माइनॉरिटीज के बारे में कुछ दे रखा है। आर्टिकल 29-30 फंडामेंटल राइट का पार्ट है, जिसमें से आर्टिकल 29 का अगर थोड़ा जिक्र करा जाए
तो आर्टिकल 29 वो पार्ट है जो कि आपको क्या प्रोवाइड करता है कि कोई भी सिटीजन इंडिया का, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, इंडिया का कोई भी नागरिक जो भी किसी भी देश के पार्ट में रह रहा है, उसकी अपनी एक भाषा है, उसकी अपनी एक स्क्रिप्ट है, उसका अपना एक कल्चर है, और वो उसको जो है प्रोटेक्ट कर सकता है। आई रिपीट, इट प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन residing in any part of the India, having a distinct minority, having a distinct language, script or culture of its own, shall have the right to conserve the same. उसके पास जो है right होगा उसको conserve करने का, right? So this is under Article 29. Article 30 के अंतर्गत क्या है? Although आप polity में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल हुआ था तो मेरा थोड़ा बताने का फर्ज था। आर्टिकल 30 के अंतर्गत क्या है? ऑल द माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। कोई सबके सब माइनॉरिटीज को राइट है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपना खुद, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद जो आर्टिकल आपका 350B है, ये पहले नहीं था। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी प्रोविजन नहीं मेक किया था कि एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए या नहीं, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में हुआ था, उसने इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इंसर्ट किया और इसके अंतर्गत एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। एंड ये आपका ड्यूटी किसकी है इसको अपॉइंट करने की? सो ड्यूटी जो है ये प्रेसिडेंट की बनती है इसको अपॉइंट। और ये आपका स्पेशल जो ऑफिसर यहाँ पे सिलेक्ट होगा, ये आपका जो भी आपके, हम कह देते हैं ना, टॉपिक्स है किसके संबंधित, जो भी टॉपिक्स हैं आपके संबंधित टू कि किस तरह से माइनॉरिटीज का यहाँ पे जो है इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है उसको ये डिसाइड करेगा। इसके अलावा एक और चीज भी है हमारे पास, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992 के अंतर्गत ये एक्ट बनाई गई थी जो कि आपकी माइनॉरिटीज के साथ डील करती। तो जो ये एक्ट है वो आपका माइनॉरिटी को एक कम्युनिटी की तरह जो है डिफाइन करती है, राइट? इसके अंतर्गत जो है 5 मेंबर्स हैं। उसके बाद जो है ये क्या काम है इसका, ये वर्क करती है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। और 18 दिसंबर को जो है आपका माइनॉरिटी डे होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे जो है मोटी मोटी इंफॉर्मेशन बता दी है रिलेटेड टू माइनॉरिटीज, राइट? तो यहाँ पे जो ये हम नई रोशनी स्कीम की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो नई रोशनी स्कीम है ये आपकी 6 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम देगी जहाँ पे ट्रेनीज को ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, फॉलोड बाय हैंड होल्डिंग। उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि उन्होंने क्या क्या कुछ ट्रेनिंग में सीखा, और ट्रेनिंग में सारे के सारे जो भी इश्यूज हैं रिलेटेड टू वुमेन उनको यहाँ पे कवर किया जाएगा, जैसे कि लीडरशिप ऑफ वुमेन थ्रू पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, एजुकेशनल प्रोग्राम कौन कौन से वुमेन्स के लिए, हेल्थ एंड हाइजीन, वुमेन की लीगल राइट्स, फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन की, डिजिटल लिटरेसी, स्वच्छ भारत, लाइफ स्किल, एडवोकेसी फॉर सोशल, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्किल है। तो इतने आपको याद नहीं रखने, बस इतना याद रख लेना कि ये स्कीम कब लॉन्च करी गई थी, किसके द्वारा है, और कुछ जो है स्कीम्स मैंने आपको इसके अंडर का जो पॉइंट्स बताए हैं वो याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाए, तो इसको इंप्लीमेंट एक एनजीओ के द्वारा यहाँ पे स्टूडेंट्स किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? एनजीओ के द्वारा जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा।
ठीक है, तो इसके साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो के एंड में अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर लिखना, वीडियो को शेयर करना और लाइक जरूर करना, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं जो कि प्रीलिम्स मेंस के लिए जो है बेनिफिशियल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हैं। इसके अलावा 15 फरवरी को हम एक एक्सक्लूसिवली फ्री बैच आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं जो कि आपका प्रीलिम्स फोकस होगा बोथ फॉर यूपीएससी एज वेल एज यूपीपीसीएस। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।